तो अभी जब से हमारा स्कूल शुरू हुआ है तो शुरुआत में ही हमने ये कोशिश की है कि हम कम्युनिटी के साथ में हमारा एक अच्छा रेपो बनाएं और लोगों के साथ जुड़े हैं। हम क्यों काम कर रहे हैं, किस विचार के साथ काम कर रहे हैं, हमारे काम करने की पूरी विचारधारा क्या है, सोच क्या है, उन सारी पक्षों पे लोगों के साथ में पहले खूब सारा इंटरेक्शन हुआ। और फिर हमारा स्कूल कैसे चलेगा, कौन बच्चे होंगे उनमें, उन बच्चों के एडमिशन में कम्युनिटी का क्या रोल होगा, उस सारी प्रक्रियाओं पे लगातार हमने पहले दिन से बात की और कोशिश की सबको इन्वॉल्व करने की। पूरी पंचायत के सामने हमने मीटिंग की, पूरा पूरे गांव की पंचायत की मीटिंग बुलाई और फिर स्कूल का पूरा जो कंसेप्ट है उसको शेयर किया और फिर उन लोगों से इस तरह के सुझाव आमंत्रित किए कि हम मोहल्ले वाइज वार्ड वाइज सर्वे करेंगे। तो उस सर्वे के जो आंकड़े निकल के आते हैं उसमें वहाँ का वार्ड पंच किस तरह से मदद कर सकता है कि हमारा जो सर्वे है वो सर्वे ठीक है या नहीं है, या हमने जिन बच्चों का को आइडेंटिफाई किया है वो सही, वो आइडेंटिफिकेशन हमारा सही है क्या। तो उस सर्वे के बाद में हम वार्ड वाइज मीटिंग की और वार्ड पंच को उस पूरी मीटिंग की प्रक्रिया में लगातार पहले दिन से इन्वॉल्व रखा और उसके बाद में हमारा जो फाइनल एडमिशन प्रोसेस हुआ उसको अभिभावकों के साथ में, होल कम्युनिटी के साथ में और जो पंचायत जनप्रतिनिधि थे उनके साथ में मिलकर पूरा किया। और इस सघन प्रचार प्रसार और बातचीत के का जो प्रभाव निकल के आया, तो हम वहीं बैठ के एडमिशन कर रहे थे तो हमें मतलब 15 दिन 20 दिन के इस तरह के अभ्यास के बाद में ये लगा कि हम लोगों को, हमें ये कहना पड़ा कि भाई हम अब इतने एडमिशन नहीं ले सकते, हमारे पास जगह की कमी थी और हमें एडमिशन बंद करने पड़े। क्योंकि हमने जो स्कूल के बारे में, संस्था के बारे में जिस तरह का एक रेपो बिल्ड किया लोगों के साथ मिलकर और जो लोगों में हमारा एक विश्वास बना वो काफ़ी इस तरह का था कि लोग, हमें लगे कि भाई ये बहुत जेन्यून लोग हैं जो पूरी टीम सुबह से शाम तक मिलकर लोगों के साथ बात करती है, गली गली में, घर घर में जाके लोगों के साथ बात कर रही है और वास्तव में सही, मतलब एक अच्छे कंसर्न के साथ में काम करने का इरादा रखते हैं। तो ये हमने, हमारा जो काम करने की जो वैल्यू थी, हमारे काम करने की जो एक प्रक्रिया थी उसको बिना बताए हम काम करते हुए ही लोगों तक पहुंचा पाए। तो ये तो शुरुआती प्रक्रिया रही। उसके बाद में हम ये मानते हैं कि सही मायने में बच्चों के साथ सही ढंग से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों को इन्वॉल्व करना है तो बच्चों की पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ से आ रहा है, किस तरह की परिस्थिति में वो जीता है और उनके पेरेंट्स की क्या स्थिति है, वो किस तरह से बच्चों को समझते हैं और शिक्षा के बारे में उनकी क्या अवधारणा है। तो बिना पेरेंट्स को, उनकी परिस्थिति को, उनके बैकग्राउंड को समझे बच्चों को हम जब देखते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और जब बच्चों को उसके संदर्भ से, उनकी परिस्थितियों से रिलेट करके देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और बच्चों के साथ कक्षा में काम करते हो बहुत सारे संदर्भ भी हम कक्षा में ला पाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिस भी विषय में काम करना हो, बच्चों की परिवेश और परिस्थितियों के जो भी उदाहरण हैं उन बच्चों को सहज करने और उनकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने का एक बेहतर तरीका होता है। और उससे जब बच्चे एंगेज होते हैं, जुड़ते हैं और उनसे उनकी जो लर्निंग होती है वो सही मायने में स्थायी लर्निंग या बहुत ही, ये कहें कि उनकी जो अवधारणात्मक समझ बनती है वो काफ़ी गहरी होती है और बच्चे वहाँ से फिर चल पड़ते हैं। तो इस तरह की समझ को हम लगातार इन्वॉल्व रखते हैं, चाहे गणित पढ़ाएं, चाहे सोशल साइंस पढ़ाएं, चाहे लैंग्वेज पढ़ाएं, इन सारे संदर्भों को हम कक्षा में जब भी इस तरह के अवसर आते हैं तो हम लाने की कोशिश करते हैं। और फिर बच्चों को इस तरह के प्रोजेक्ट भी देते हैं कि आप बात करके आइए कि तुम्हारा जो चारभुजा मंदिर है वो कितने साल पुराना है। अब वो अलग अलग व्यक्तियों से जब बात करके आते हैं, वो अलग अलग तरह की कुछ कहानियाँ लेकर आते हैं मंदिर के बनने की, तो फिर उनमें बहस होती है कि नहीं फलां बाबा ने तो मुझे ये बताया कि ये 300 साल पुराना है, पर ये कह रहा है कि तो 1000 साल पुराना है, फलां लोगों ने बनाया था, वो कहता है नहीं उन्होंने नहीं बनाया, दूसरे ने बनाया था। तो जो इतिहास में जो डिबेट है इतिहासकारों के बीच में, उसी तरह की डिबेट बच्चों के बीच में भी होने लगती है, जो तथ्य वो अपने अपने ढंग से जुटा कर लाते हैं उनके माध्यम से। तो इस तरह की कोशिश हम करते हैं और
जैसा मैंने पहले बताया कि बच्चों के साथ में जब हमने लोक कथाओं पे काम किया तो कक्षा 6-7 के बच्चे अपने दादा दादी माँ पिताजी से कहानियाँ सुन के उनको डॉक्यूमेंट करके लाए, और जब उनको सुनते हैं उन लोक कथाओं पे बात करते हैं तो बहुत तरह की मतलब एक वैरायटी होती है उन लोक कथाओं की, और उन लोक कथाओं के माध्यम से हम हमारे पास बात करने के विचार विमर्श करने के बहुत सारे अवसर होते हैं जो बच्चों को थोड़ा आलोचनात्मक चिंतन की तरफ ले जाते हैं। बहुत सारे एक बार बच्चे ने कहानी सुनाई कि एक बार एक किसान था, वो बहुत मेहनत कर रहा था और उसको वो बहुत गरीब भी था, तो वहाँ से शिव और पार्वती निकल के जा रहे थे तो पार्वती जिद करने लगी कि ये बेचारा गरीब है किसान, इसको भी कुछ मदद करो। तो कहा नहीं नहीं इसके तो भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा है, ये तो आप कितनी मदद करो इसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो जिद करने लगी, फिर वो जब नहीं मानती तो उसको लेके आती है और उसको कुछ ये कहती है कि भाई उसके लिए कुछ डाल दो, यहाँ ऐसा धन डाल दो जो ले लेगा। तो ठीक है मैं धन डाल देता हूँ, फिर भी देख लेना वो नहीं लेगा। तो फिर वो किसान और उसकी पत्नी वहाँ से निकलते हैं, और जब वो उसके पास जाते हैं उससे पहले ही किसान अपनी पत्नी से कहता है कि अरे मतलब उसका नाम लेके कहता है कि बताओ मैं अगर कभी अंधा हो जाऊँ तो कैसे चलूँगा। तो जिस रास्ते में वो धन पड़ा था उससे थोड़ी दूर पहले वो अंधा मतलब आँख बंद करके चलने का नाटक करता है कि मैं चल पाता हूँ या नहीं चल पाता हूँ, और वो अपनी आँखों को बंधवा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर वो पार्वती और शिव आपस में बात करते हैं, देख लिया ना मैंने बताया था कि इसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, और वो उस धन से वंचित हो जाते हैं। तो इस तरह की कथा, तो फिर हम इस पे फिर थोड़ा और सवाल पूछते हैं कि क्या ये सही बात, इस तरह की जो प्रचलित कथाएँ हैं वो लोगों को जो बेचारे गरीब हैं और इस तरह से वंचित हैं अभी परिस्थितियों वश, उनको अपने भाग्य भरोसे या उनके भाग्य में ऐसा ही लिखा है इसी तरह से जीना उनको तय है, ऐसा है, या हमारी जो सामाजिक परिस्थितियाँ वो उनको इस तरह के अवसर देने से वंचित रखती हैं और फिर उनके ऊपर ही लाद दिया जाता है कि भाई इनके कर्म में ऐसा ही लिखा है, इनके भाग्य में ऐसा ही लिखा है, ये तो ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसे सवालों की तरफ भी ले जाते हैं, तो थोड़ा एक अलग तरह का विचार भी उनके बीच में जाता है। तो इस तरह की कोशिश हम पेरेंट्स के माध्यम से, पेरेंट्स के साथ बच्चों के जो संवाद होते हैं उनके माध्यम से करते हैं। जो हम लगातार जो कोशिश कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ में, दो तरह से प्रयास करते हैं। एक तो हम मंथली विजिट करते हैं, यहाँ से दूरी है 10 किलोमीटर, जो गांव है बम्बोर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो हम जब चाहें तब तो नहीं जा सकते, हम सब लोग मिलकर माह में एक बार प्लान करते हैं और एरिया बांट लेते हैं कि इस मोहल्ले में ये दो लोग जाएंगे, इस मोहल्ले में दो लोग जाएंगे, इन बच्चों को कवर करके आएंगे, पेरेंट्स के साथ में बातचीत करके आएंगे। तो एक जरिया तो यह है, और हर 2 महीने में हम पेरेंट्स के साथ में यहाँ मीटिंग करते हैं। तो उस मीटिंग में जब लोग आते हैं तो हर बार अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। कभी ऐसा अवसर होता है कि कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी का काम नहीं है, तो लगभग 80-85-90% तक लोगों की उपस्थिति होती है, पर कई बार ऐसा होता है कि वो संयोगवश 2 माह का जो की अवधि है वो ऐसे समय में होती है कि उस समय खेती में बुआई का या कटाई का काम चल रहा होता है, तो उस समय लोगों की उपस्थिति कम होती है, वो 50% तक ही आ जाती है। तो जब लोग यहाँ आते हैं तो हम क्लास वाइज बच्चों की फाइल एक जगह लगाते हैं और एक एक बच्चे के काम को, जो भी सैंपल उनके आकलन की वर्कशीट होती हैं या बच्चे का काम होता है, उनको कहते हैं आप देख लीजिए, और आपको लगता है इस काम को देख के या जनरली भी बच्चे के बारे में जो भी आपकी छवि है, इमेज है या कुछ सवाल है उसके पढ़ने लिखने को लेकर उस पर बात कीजिए। तो क्लास वाइज ग्रुप्स में हम बैठ जाते हैं और फिर एक एक बच्चे के प्रोग्रेस पे, उनके व्यवहार पे, उसके काम पे थोड़ा संवाद होता है, और फिर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर हम पूरे ग्रुप के साथ में डायलॉग करते हैं, और वो मुद्दे इस तरह के होते हैं। आकलन का मुद्दा होता है, शुरू में पेरेंट्स के जब हमने पहली बार रिपोर्ट शेयर की तो पेरेंट्स के सवाल थे कि सब इससे तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये कितने प्रतिशत अंक लेके पास हुआ है, कितना जानता है, ये तो जनरल वर्णन है बच्चे के बारे में, और ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा किसके आए, उससे कम किसके आए, ये किससे कम है, किससे ज़्यादा है। तो तुलना करने का या एक दूसरे
से कंपटीशन करने का तो इस तरह की व्यवस्था में कोई स्पेस ही नहीं है। तो ऐसा बच्चों को तो कुछ लगेगा ही नहीं कि भाई हमने कितना अचीव किया। तो हमने उनके साथ में बातचीत की, भाई जब हम इस बच्चे के बारे में, गणित के बारे में बात कर रहे हैं कि ये इन अवधारणाओं में ये जानता है, इस तरह की स्किल्स बच्चे की डेवलप हो रही हैं, तो ये वर्णन है, इसको पढ़ के तो आप थोड़ा अंदाज़ लगा सकते हैं, पर अगर ये लिखा हुआ है कि बच्चे ने 90% अंक प्राप्त किए, अब वो 90% अंक तो कुछ भी नहीं बताती, ये ज़रूर बताते हैं कि भाई 100 नंबरों की कोई परीक्षा है, उसमें उसने 90 प्राप्त किए, पर वो क्या क्या जानता है, कैसे कर पाता है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रेंथ है, उस तरह की चीज़ें तो आपको समझ में नहीं आती। इसमें तो पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि आप विषय को भी खोल के समझ सकते हैं कि उस किस विषय में किस तरह की स्किल्स इसकी ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो रही हैं, कौन सी स्किल्स। तो इस तरह के संवाद होते हैं। दूसरी तरह के सवाल होते हैं कि साहब बच्चे तो यहाँ तो ये तो कहना ही नहीं मानते, ये तो बहुत सारी बातें करते हैं, पहले तो बात ही नहीं करते थे, अब तो बहुत सारे सवाल करते हैं, ये तो बहुत बोलने लगे हैं आजकल, तो यहाँ तो कोई इस तरह का डिसिप्लिन ही नहीं है बच्चों में। तो फिर उस डिसिप्लिन को वो कैसे समझते हैं, और हमने डिसिप्लिन की अपनी एक जो भी समझ है वो हमारी समझ क्या है डिसिप्लिन को लेकर, उस पर बात करते हैं। तो हालांकि वो सबके सब अच्छे से कन्वेंस हो पाते हैं, पूरी तरह से कन्वेंस हो पाते हैं ये तो हम नहीं कह सकते, पर एक विचार जिस पे उनको अलग तरह से सोचने का अवसर हम उस तरह की बैठकों के ज़रिए हम दे पाते हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे आते हैं कि बच्चों को तो पहाड़े नहीं आते हैं, तुम ये गणित कैसे सिखा रहे हो, इनको ABCD नहीं आती हैं, या कक्का तो आता ही है, वर्णमाला तो आती ही नहीं है, इसको हिंदी कैसे सिखाओगे, अंग्रेज़ी कैसे सिखाओगे, ये सारे ये कहानी सुनाते हैं, ये कविता सुनाते हैं, तो पूरे अप्रोच को लेकर सवाल उठाते हैं। तो उनके साथ बात करते हैं, भाई कक्का का अपने बाप में क्या मतलब है, ये कहाँ लिख दिया, इसका कुछ अर्थ होता है क्या, कुछ इमेज बनती है क्या इसको पढ़ने के बाद में, शब्द अगर लिखा है तो शब्द को रिलेट कर पाता है और उसको बहुत सारी चीज़ों से जोड़ पाता है, अपनी बात कह पाता है उसके ज़रिए, पर इसका ऐसे तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट ध्वनि है जिसको एक बार देखने पढ़ने से तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो कहने का मतलब वो पूरी जो हमारी शिक्षण पद्धति है उस पे सवाल उठते हैं, फिर उनके साथ थोड़ा संवाद में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह का एक PTM में संवाद होता है पेरेंट्स के साथ में, और ये संवाद कुछ शुरुआत में अलग तरह का था, अब थोड़ा उनका लेवल अलग हुआ है, अब थोड़ा और आगे की चीज़ों पर बात करते हैं। हम कहते हैं भाई भाषा शिक्षण में आप भी बच्चों की मदद कर सकते हैं, इतिहास शिक्षण में बच्चों की आप भी मदद कर सकते हैं, साइंस में आप भी मदद कर सकते हैं, किस तरह की मदद कर सकते हैं उस पर बात करते हैं, आप बच्चों के साथ किस तरह की चीज़ों पर संवाद कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, उन सारे इश्यूज़ को हम रेज करते हैं और पेरेंट्स के साथ बात करते हैं। तो मोटे तौर पर तो इस तरह का डायलॉग हमारे बीच में होता रहता है, उसमें आप कुछ छूट गया तो आप